मैम के साथ तो आई वॉज रियली स्केयर्ड, सर के साथ भी मतलब मेरा। फिर उसके बाद नाउ इट्स लाइक कि मैं एक साल ही होने वाला है तो यू नो इट्स एक्चुअली सो गुड। और सबसे पहले तो गणपति बप्पा सब मोरिया तो गणपति बप्पा मोरिया। बहुत मतलब थीम इज़ सो प्रिटी, एवरी थिंग जस्ट द वाइब इज सो गुड। पूजा की पूरी वाइब ही मतलब इतनी अच्छी थी, एनर्जेटिक थी एंड आई वॉज टू इन टू इट। तो मुझे यहाँ पे 8 महीना हुआ है, मुझे पता ही नहीं चला 8 महीने कहाँ चले गए। मतलब अब नाउ इट्स लाइक कि मैं एक साल ही होने वाला है तो यू नो इट्स एक्चुअली सो गुड। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। द एक्टिंग लेसन्स आई गेट फ्रॉम एवरीवन, आई सी एवरीवन कैसे एक्ट कर रहे हैं बिकॉज एवरीथिंग एवरी कैरेक्टर इज़ सो वर्सेटाइल हियर। तो यू नो यहाँ पे सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और यहाँ पे मैं खुद ही बड़ी हो रही हूँ। सो यू नो यहाँ पे आई टर्न 13, सो या हमने कभी गणपति बापा रखे नहीं है, बट वी वॉन्ट टू कीप इट, बट वी आर थिंकिंग दैट नेक्स्ट ईयर वी विल डू इट बिकॉज अभी हम लोग वी आर न्यू टू दिस कल्चर। तो यू नो हमने पहले भी कभी गणपति नहीं रखा, जब से महाराष्ट्र आए हैं, मुंबई आए हैं, वी आर सीइंग दैट दिस इज़ अ रियली बिग फेस्टिवल। माई गॉड इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिवाली होली टाइप। तो अब हमें भी थोड़ा सीखने को मिल रहा है दैट हाउ टू कब कैसे लाते हैं, कितने दिन रखते हैं। सो यू नो वी विल एब्सोल्युटली डू इट। बहुत फर्स्ट डे आई वॉज रियली नर्वस, मैं मतलब बात नहीं कर रही थी, आई वॉज रियली इंट्रोवर्ट। पर अब तो मतलब ऐसे ही चलते फिरते जा रहे हैं एंड देन मैम के साथ तो आई वॉज रियली स्केयर्ड, सर के साथ भी मतलब मेरा। फिर उसके बाद आई गॉट इन टू दैट कम्फर्ट जोन। फिर उसके 8 महीने जो हमने हुड़दंग करके निकाले हैं, हंसते खेलते सब, मतलब बहुत मज़ा आया मुझे। मेरा चुरा के तो मतलब मैंने तो बहुत बार अपने पहले वाले सेट पे भी खाया मैंने, पर मोदक आई एम थोड़ा स्केप्टिकल अबाउट मोदक्स, बट मैं वैसे हलवा कुछ भी ले लिया या फिर कोई भी प्रसाद रखा हो वो ले लिया। सो या आई लव इट, वेलकम मोरिया।